ओके okay, बेटा हम नया चैप्टर स्टार्ट करें करंट एल, करंट इलेक्ट्रिसिटी ठीक है बहुत लेट हो गए करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट हेडिंग लिखे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है करंट हमारे जिन में फौरन आता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वो करंट होता है लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रॉन का फ्लो करंट नहीं होता कोई भी चार्ज जो फ्लो कर रहा है वो करंट है पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है वो भी करंट है वो भी है। आप कहेंगे सर आपने तो कैटाइन भी, भी होते हैं है, है, है। पता है आपको तो जो चार्जेस का फ्लो होता है वो करंट होता है लेकिन एग्जाम डेफिनेशन क्या है वट इज करंट इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस तो लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस एट ज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक करेंट क्या होता है इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस जी बेटा सबको वालेकुम असलम आज जल्दी से इलेक्ट्रिक करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस रेट का मतलब होता है डिवाइड बाई टाइम चार्ज चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम सो करंट करंट किसके इक्वल होगा करंट करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम करंट को आई से डिनोट करते हैं आई आई इज करंट चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं इज टाइम इज इक्वल टू क्यू ओवर टी क्यू इज चार्ज टीज टाइम आप इसको याद करने के लिए क्यू इज इकल टू आई टी ऐसे याद कर सकते हैं उसके बाद यूनिट ऑफ करंट इज एम्पीयर। यूनिट ऑफ करंट किसके इक्वल है एम्पीयर के इक्वल है यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर जब साइंटिस्ट का नाम एज ए यूनिट लिखते हैं तो बेटा उसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं यूनिट ऑफ करंट इज एम्पीयर यहां पे कैपिटल होगा जी बेटा करंट क्या होता है द रेट ऑफ ऑफ चार्जेस चार्ज करंट इज इक्वल टू चार्ज ओवर टाइम आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी इसकी यूनिट लिख रहा हूं तो मैं लिखूंगा वन एम्पेयर किसके इक्वल होगा वन कूलम ओवर वन सेकेंड चार्ज की यूनिट कूलम्स होती है चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलम्स साइड पे लिखते हो साइड द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्स सी यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस करंट कैसे निकालते हैं चार्ज को टाइम पे डिवाइड करके करंट कैसे आता है चार्ज ओवर टाइम आई इज इकल टू क्यू ओवर टी याद करने के लिए क्यू इज इकल टू आई टी यही डेफिनेशन हम चार्ज के लिए भी यूज कर सकते हैं व्हाट इज चार्ज इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड टाइम ऐसे कह सकते हैं चार्ज को अच्छा इसकी यूनिट एम्पेयर है और वन एम्पेयर किसके इक्वल होता है वन कूलम पर वन सेकेंड अच्छा अगर अगर किसी वायर में करंट थ्री एम्पेयर है इफ वायर हैज करंट करंट कितने है जी थ्री एम्पियर्स इसका मतलब क्या हुआ थ्री कूलम्स पर सेकेंड उसके अंदर उसके अंदर किसी पॉइंट पे थ्री कूलम चार्जेस पास हो रहे हैं एक सेकंड में एक सेकंड में थ्री कूलम चार्जेस पास हो रहे हैं जितने एम्पियर करंट है उतने कूलम चार्जेस पास हो रहे हैं अगर करंट है जी सपोज करंट है टेन एम्पियस टेन एम्पियर करंट का क्या मतलब हुआ टेन कूलम्स पर सेकेंड एक सेकेंड में टेन कूलम चार्ज पास हो रहे हैं और आपको पता है एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम चार्ज में पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स इतने इलेक्ट्रॉन्स हों तो एक कूलम चार्ज बनता है तो 3 एंपियर करंट में. में क्या हो रहा है 3 दिस मच इलेक्ट्रॉन पास करें एक सेकंड में 10 एंपियर करंट में क्या मतलब हुआ 10 एक कूलम इतने इलेक्ट्रॉन्स है 10 दिस मच इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग थ्रू द वायर इन 1 सेकंड ठीक है बेटा तो करंट क्या होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इसकी यूनिट क्या होती है एमपेयर आई इज इगल टू क्यूव टी या क्यू इज इकल टू आई टी थ्री एमपेयर करंट का मतलब हुआ थ्री कूलम चार्ज पास हो रहे हैं एक सेकंड में टेन एम्पेयर करंट का मतलब हुआ कि कूलम चार्ज पास हो रहे हैं एक सेकंड में इज इट क्लियर टू यू अब आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट अच्छा मैंने ये नहीं बोला कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट है कोई भी चार्ज जो मूव कर रहा है वो करंट है एनी चार्ज दैट इज मूविंग इज करंट Okay. हाँ जी बेटा हम करंट की बात करें एनी चार्ज दैट इज मूविंग इज करंट एनी चार्ज दैट इज मूविंग इज करंट क्या मतलब करंट का सिर्फ ये मतलब नहीं कि वायर में करंट होता है जब भी इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो हमारे जहन में आने लग जाता है हाई टेंशन केबल जिनमें करंट जा रहा है ट्रांसफॉर्मर्स जिनमें करंट होता है आ, हर वो चीज जो बिजली से चलती है उस उसमें करंट आ रहा होता है कि टीवी में करंट होता है जी पंखा भी करंट से चलता है तो हीटर भी करंट से चलता है तो ए भी करंट चलता है बिल्कुल सही है ऐसा ही होता है ये सब चीजें करंट से चलती हैं लेकिन करंट सिर्फ वायर्स में नहीं होता एनी चार्ज दैट इज मूविंग इज करंट आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट पे कैटाइंस मूव करते हैं एनआइंस मूव करते हैं वो भी करंट है आइंस का फ्लो करंट होता है चाहे वो एयर में फ्लो करें चाहे मैं वायर में फ्लो करें कहीं भी फ्लो करें वो करंट होता है तो क्या मतलब अगर मैं इसको रब कर दूं अपने स्वेटर पे अपने बालों पे इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया मैं इसको घुमा रहा हूं इट इज इलेक्ट्रिक करंट एक गाड़ी चल रही थी उस पर एयर रबिंग की वजह से चार्ज आ गया और वो मूव कर रही है एक गाड़ी चार्ज पार्टिकल बन गई है चार्ज बॉडी बन गई जो मूव करी है वो भी करंट है क्लाउड पे चार्ज आ गया क्लाउड फ्लो करें तो वो भी करंट है तो एनी चार्ज दैट इज मूविंग इज करंट तो ये जरूरी होता है कि सिर्फ वायर में करंट है कोई भी चार्ज मूव कर रहा है करंट है तो फिर करंट डायरेक्शन क्या लें व्हाट इज कर रहा है वो करंट होता है तो हमें क्या व्हाट इज डायरेक्शन तो करंट डायरेक्शन तो क्या लें तो हमने कहा कि ऐसा करें कि जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे होंगे ना पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहे हैं ना इधर मूव करें तो इसी को ले लें करंट डायरेक्शन करंट डायरेक्शन वट इज करंट डायरेक्शन इट इज डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस करंट डायरेक्शन इज इट इज डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा वो करंट डायरेक्शन है पहले लिखिए अगली बात बताता हूं वट इज इलेक्ट्रिक करंट इट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे वो इलेक्ट्रिक करेंट है जी बेटा इट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस करेंट डायरेक्शन पहली बात तो ये है अच्छा अगली फोरन जेन में आएगी सर अगर पॉजिटिव चार्जेस नहीं है नेगेटिव चार्जेस हैं तो हम ये सोचेंगे कि नेगेटिव चार्ज राइट पे जा रहा है पॉजिटिव होता तो कहां जाता उसके ऑपोजिट जाता ना तो करंट डायरेक्शन उसके ऑपोजिट सपोज करेंगे और सेकंड से, से, से क्या है हाँ जी क्या मतलब अगर ये नेगेटिव चार्ज है ये इधर मूव कर रहे है तो हम करंट डायरेक्शन ये लेंगे ये करंट डायरेक्शन है ऑपोजिट क्यों अभी बता समझाता हूं मैं आपको पहले लिख लें करंट डायरेक्शन इट इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस करंट डायरेक्शन इज इट इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्जेस क्या सपोज करेंगे नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव होता तो जाता? जाता तो हम कहेंगे करेंट डायरेक्शन ऑपोजिट है क्योंकि करंट डायरेक्शन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेज है जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज जा रहे होंगे हम उसके ऑपोजिट करंट सपोज करेंगे इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन क्या बोलते हैं इसको कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन देख लें प्लीज अगर पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहे हैं तो करंट ऊपर को है पॉजिटिव चार्ज नीचे जा रहे हैं तो करंट नीचे को है पॉजिटिव चार्ज राइट पे जा रहे हैं तो करंट राइट right पर है लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज ऊपर जा रहा है तो करंट हम कहेंगे नेगेटिव चार्ज ऊपर जा रहे हैं तो करंट हम क्या लेंगे डाउनवर्ड्स जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज मूव करेंगे हम करंट उसके ऑपोजिट सपोज करेंगे सपोज करेंगे ऑब्वियसली इसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन देखो बेटा ये एक वायर है वायर इसमें इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो करें इस तरफ इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल तो इसमें है तो उसमें करंट है इलेक्ट्रॉन का फ्लो करंट होता है चार्जेस का फ्लो करंट होता है करंट है करंट डायरेक्शन क्या है हम ये नहीं लेंगे व्हाट इज करंट डायरेक्शन हम करंट डायरेक्शन ये लेंगे इसके ऑपोजिट ये करंट डायरेक्शन है हम सपोज करेंगे कि इसके अंदर अगर पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते तो वो किधर जाते वो इसके ऑपोजिट जाते हैं इमेजिनरी पॉजिटिव चार्जेस अगर फ्लो करते तो कहां जाते जिस साइड पर नेगेटिव जा रहे हैं उसके ऑपोजिट जाते है. देखो ना अगर यहां पर पॉजिटिव प्लेट है यहां पर नेगेटिव प्लेट है अगर आप एक नेगेटिव वाइन रखोगे नेगेटिव वाइन तो इधर जाएगा नेगेटिव नेगेटिव वाइन वाइन इधर मूव करेगा रखोगे तो इधर मूव करेगा लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव ना होता पॉजिटिव होता तो किधर जाता हम सोचेंगे कोई इमेजिनरी पॉजिटिव होता इसकी जगह पे क्या होता पॉजिटिव होता तो इधर मूव करता ना जिस तरफ पॉजिटिव मूव करता है वो क्या होता है करंट डायरेक्शन तो हमने एक क्राइटेरिया बना लिया कि पॉजिटिव चार्जेस को हमने क्या बनाया पॉजिटिव चार्जेस को यूज करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाली थी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्जेस को यूज करके हम निकालेंगे करंट डायरेक्शन तो करंट डायरेक्शन क्या होगी जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं हम करंट उसके ऑपोजिट सपोज करेंगे द डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस हम उसके ऑपोजिट करंट सपोज करेंगे ठीक है अगर अगर नेगेटिव इधर मूव कर करें हम सोचेंगे पॉजिटिव होता तो किधर जाता वो राइट पे जाता तो जो पॉजिटिव चार्जेस की मूवमेंट है वो करंट डायरेक्शन है जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा वो करंट डायरेक्शन है जिस तरफ नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा तो करंट डायरेक्शन क्या लेंगे इसके ऑपोजिट सपोज करेंगे इसको याद कर लें आप द डायरेक्शन ऑफ करंट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस अगर पॉजिटिव है ही नहीं नेगेटिव है खाली इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वायर में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे हम करंट उस डायरेक्शन में सपोज नहीं करेंगे उसके ऑपोजिट सपोज करेंगे याद रहेगा आपको तो, तो उसको याद कर लें तो अगर ये बैटरी है पावर सप्लाई है और यहां पे एक लैंप लगा हुआ फैन लगा फैन. तो मैं इसको यूं जोड़ देता हूं ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो यूं इलेक्ट्रॉन यूं फ्लो करती है इलेक्ट्रॉन यूं फ्लो करती है इधर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन यूं फ्लो कर रहे हैं क्लॉकवाइज क्योंकि बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को पुश करती है इलेक्ट्रॉन्स यूं जा रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स यूं मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स यूं मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यू मूव कर रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट क्या लेंगे करंट इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ना क्लॉक हम करंट क्या सपोज करेंगे हम सपोज करेंगे पॉजिटिव होते तो किधर मूव करते तो वो नेगेटिव टू पॉजिटिव ना जाते पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते तो करंट डायरेक्शन क्या लेंगे हम ये ये लेंगे करंट डायरेक्शन ये ये करंट डायरेक्शन है ये रेड से जो लिखे ये क्या है हैंट करंट करंट डायरेक्शन करंट डायरेक्शन ऑपोजिट आइज करंट बेटा करंट डायरेक्शन एंटी क्लॉक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज फ्लो कर रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं तो हम करंट कैसे सपोज करेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव उसके ऑपोजिट सपोज करेंगे तो बेटा हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है करंट इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले डिफाइन किया व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस चार्जेस का फ्लो ना करंट है कोई भी चार्ज जो फ्लो कर रहा है चाहे वो इलेक्ट्रॉन है चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है वो करंट होता है आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी में हीरो इलेक्ट्रॉन थे ठीक है मान लिया सॉलिड में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं लेकिन बेटा एयर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर पॉजिटिव आइन भी फ्लो कर सकते हैं नेगेटिव आइन भी फ्लो कर सकते हैं तो चार्जेस का फ्लो करंट होता है क्लाउड पॉजिटिव भी हो सकता है किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है मैं मूव कर रहा हूं मेरी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो मैं मैं भी चार्ज जो मूव कर रहा हूं तो मैं भी करंट हूं एनी चार्ज दैट इज मूविंग इज करंट तो वट इज अच्छा करंट का फॉर्मूला क्या है करंट होता है क्या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस तो करंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा पहली स्लाइड ये थी इलेक्ट्रिक करेंट आपने लेट बहुत आए बेटा आप लोग पता नहीं क्यों प्लीज टाइम पे आया करें इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस करंट करेंट होता है चार्ज ओवर टाइम रेट का मतलब होता है डिवाइड बाई टाइम चार्ज ओवर टाइम आई इजिकल टू क्यूवर याद करने के लिए क्यू इजिकल टू आई टी चार्ज के लिए क्यू का वर्ड यूज करते हैं चार्ज के लिए क्यू चार्ज के लिए क्यू यूज करते हैं चार्ज की यूनिट कूलम्स है यूनिट ऑफ चार्ज एम्पेयर तो वन एम्पेयर करंट कब होगा जब वन कूलम चार्ज पास होगा वन सेकेंड में यूनिट ऑफ चार्ज क्या है कूलम्स अच्छा फिर हमने बात की कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज जमा किया जाए तो एक कूलम चार्ज बनता है 6.25 पॉइंट टू फाइव इंटू टेन पावर एटीन इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज जमा किया जाए तो एक कूलम चार्ज बनता है अगर एक वायर में थ्री एमपेयर करंट है तो उसका मतलब क्या हुआ थ्री कूलम्स पर सेकेंड एक सेकंड में थ्री कूलम चार्जेस पास हो रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं थ्री इंटू मच इलेक्ट्रॉन्स एक सेकेंड में पास हो रहे हैं अगर एक वायर में टेन एम्पेयर करंट है तो क्या मतलब है इंटू दिस मच पास हो रहे हैं एक में अच्छा फिर हमने बात की कोई भी करंट है कोई भी चार्ज है है जो मूव कर रहा वो करंट है तो व्हाट शुड बी करंट डायरेक्शन तो करंट डायरेक्शन क्या होगी जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज राइट पे जा रहा है तो यही करंट डायरेक्शन है इट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा वही करंट डायरेक्शन है और अगर पॉजिटिव नहीं होगा खाली नेगेटिव होगा तो फिर करंट डायरेक्शन कैसे मानेंगे फिर हम सोचेंगे नेगेटिव है तो पुत्र इधर जा रहा है लेके तो डायरेक्शन तो ले लेते हैं, इसको बोलते है, अगर जा रहे हैं तो करंट ऊपर को सपोज है। करते हैं हम सोचते हैं इमेजिनरी पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो किधर जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट जाएंगे नेगेटिव चार्जेस के ऑपोजिट जाएंगे इसको बोलते हैं याद करना है बट इज करंट डायरेक्शन इट इज ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस नेगेटिव चार्जेस इस तरफ को जा रहे हैं तो करंट इस तरफ को है नेगेटिव चार्ज उधर को जा रहे हैं तो करंट इधर को लेंगे नेगेटिव चार्ज एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहे हैं तो करंट क्लॉकवाइज है ओके okay, फिर हमने बात की ये मैंने आपको ये चीज दिखाई मैंने आपको समझाने की कोशिश की जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे होंगे हम ये करंट सपोज नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन इधर जा रही है हम कहेंगे करंट इधर को है अगर पॉजिटिव चार्जेस होते तो इधर को जाते मैंने ऐसा समझाया आपको कि फॉर एग्जाम्पल ये पॉजिटिव प्लेट है ये नेगेटिव प्लेट है इनके दरमान इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव चार्ज उधर जा रहा है क्योंकि ये नेगेटिव उसको रिपेल करेगी नेगेटिव आइन उस साइड पे जाएगा तो मैं सोचूंगा पॉजिटिव होता तो किधर ये करंट नहीं है पॉजिटिव होता कि तो किधर जाता इसके ऑपोजिट जाता तो ये करंट डायरेक्शन है अगर आपका ये मैंने एक बैटरी लगा दी एक फैन लगा दिया तारें लगा दी अब ये क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन तो यूँ जाते हैं ना बैटरी इलेक्ट्रॉन्स को इधर को पुश करती है ना आपको पता है ना बैटरी पुशिज द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यूँ चल रहे हैं तो ये करंट डायरेक्शन ये नहीं है क्लॉक वाइज

करंट को समझना है करंट को समझना है तो बेटा करंट को समझने के लिए हमें पानी के फ्लो को समझना पड़ेगा द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वायर्स इज जस्ट लाइक फ्लो ऑफ वॉटर इन पाइप एन एनोलॉगी है मैं लिखता हूं यहाँ पे अब अब हम बात करने लगे इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स कंडक्टर्स में जो करंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होता है और इलेक्ट्रॉनिक फ्लो को समझने के लिए हम पानी के फ्लो को समझ रहे हैं ठीक है तो मैं लिखता हूं यहां पे hadi electric current in conductors is due to flow of electrons only electric current in conductors is due to flow of electrons only Electric current in conductors is due to flow of electrons only. Zenim can you last slide. Electric current in conductors is due to flow of electrons only. What will be the direction of current opposite to the flow of electrons? Direction हाँ करंट की यूनिट एम्पियर है ना जैसे लेंथ और मीटर सेम तो नहीं है ना लेंथ की यूनिट मीटर्स है वैसे करंट की यूनिट है करंट इज मेजर्ड इन ना मैथ और किलोग्राम सेम तो नहीं है ना मैथ तो क्वांटिटी है उसकी यूनिट किलोग्राम्स है इसी तरीके से करंट की यूनिट एम्पियर है डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट To the direction of movement of electrons, direction of flow of electrons. Achha, electronic flow in wires is just like.

बेटा इलेक्ट्रॉनिक फ्लो इन वायर्स इज जस्ट लाइक फ्लो ऑफ वाटर इन पाइप्स बेटा करंट को रिप्रेजेंट ही आई से करती है करंट का नाम करंट इज डिनोटेड बाय नॉट सी करंट इज डिनोटेड बाय आई हर एक का नाम है ना जैसे आप पढ़ोगे मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं हालांकि पी और मोमेंटम में कोई नहीं है तो करंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से आई पता नहीं क्यों करती है मुझे नहीं पता इसका लॉजिक लेकिन करंट को आई बोलते हैं ठीक है करंट इज डिनोटेड बाय आई इलेक्ट्रॉनिक फ्लो इन वायर्स इज जस्ट लाइक फ्लो वाटर इन पाइप थोड़ा लेट आए थे ना मैंने बताया था मैं पहली स्लाइड दिखा दू फर्स्ट स्लाइड इलेक्ट्रिक करंट इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस रेट का मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम चार्ज डिवाइड बाय टाइम देखो करंट को मैंने आई से डिनोट किया था करंट इज डिनोटेड बाय आई चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू टाइम के लिए तो टी होता है याद करने के लिए इक्वल टू आई टी याद करने के लिए इक्वल टू आई टी ये फॉर्मूला याद करेंगे क्यूजिकल टू आई टी इसको क्वेश्चन करा दूं फॉर एग्जांपल चले क्वेश्चन लिख लेते हैं इसके साथ ही आप लिख सकते हैं थ्री कूलम चार्ज पास इन टू मिनट्स फाइंड करंट थ्री कूलम चार्ज पासिस इन टू मिनट्स फाइंड करंट तो ये फॉर्मूला लगाएंगे ये आई इक्वल टू क्यू टी थ्री कूलम क्यू गिवन है तो क्यू कितना है बेटा थ्री कूलम्स, टाइम कितना है टू मिनट्स टाइम मिनट्स में नहीं लेंगे बेटा सेकेंड्स में लेंगे टू इंटू सिक्सटी वन ट्वेंटी सेकेंड्स टाइम मिशट सेकेंड्स में लेते हैं अच्छा अब फॉर्मूला क्या है क्यू इज इकल टू आई टी या आई इज इकल टू क्यू ओवर टी आई इज इक्ल टू क्यू ओवर टी क्यू की वैल्यू कितनी है थ्री टाइम की वैल्यू कितनी है वन ट्वेंटी से. तो इस फॉर्मूले का यूज आपको आना चाहिए तो करंट को आई से रिनोट करते हैं बेटा इस फॉर्मूले के क्वेश्चन बन सकते हैं जीरो पॉइंट जीरो नहीं यार टू मिनट्स टू मिनट वन ट्वेंटी सेकेंड थ्री ओवर फोर फोर वन ओवर फोर पॉइंट टू फाइव होता है और वन ओवर फोर्टी पॉइंट ये पॉइंट टू फाइव एम्पेयर और अगर मैं आपसे कराऊं ऐसे इसका एक और एक और कर लेते हैं चले फाइव एम्पेयर करेंट पासेस, एक और क्वेश्चन कर रहा हूं फाइव एम्पेयर करेंट पासेस फॉर टू आवर्स फॉर फॉर थ्री आवर्स कर देंगे फॉर थ्री आवर्स फाइंड फाइंड चार्ज फाइंड चार्ज चार्ज फाइंड आउट करने फाइव एम पे करेंट पासिस फॉर थ्री आवर्स फाइंड चार्ज जी जनाब क्या क्या बताया आपको फाइव एम्पेयर एम्पेयर क्या होता है करंट, फाइव एम्पेयर क्या निकालना है चार्ज निकालना है क्यों निकालना है चार्ज टाइम कितना बना है आपको थ्री आवर्स इसको सेकेंड से चेंज करें एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं तो 60 इंटू सिक्सटी थर्टी से मल्टीप्लाई करेंगे वन जीरो एट जीरो सेकेंड्स दस हजार आठ सौ अब Q Q का फॉर्मूला क्या है क्यू इज इकल टू आई टी तो करंट कितना है फाइव चार्जेस कितने वन जीरो एट सॉरी सेकेंड्स कितने चार्ज निकालना है। करंट फाइव एम्पियर है टाइम इतना है टेन थाउजेंड एट हंड्रेड मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा जीरो जीरो फाइव एट फोर्टी फोर फिफ्टी फोर थाउजेंड कूलम्स

वो किसकी वजह से होता है इलेक्ट्रॉनिक फ्लो की वजह से होता है जिस डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं हम करंट उसके ऑपोजिट सपोज करते हैं और कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनिक फ्लो पानी के फ्लो की तरह होता है कितना टाइम रहता है सिक्स हो गए ओके अच्छा बेटा पानी के फ्लो को समझाने की कोशिश करता हूं मैं अब जरा गौर से सुनिएगा पाइप है पानी का पाइप है वाटर पाइप ये क्या है वाटर पाइप इसके अंदर क्या है कंप्लीटली विद वाटर पानी है पानी है इसमें पानी है ये वाटर है ठीक है जी किधर फ्लो कर रहा है पानी क्लॉकवाइज जा रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है आप कहेंगे फ्लो ही नहीं कर रहा भाई रुका हुआ है पानी फ्लो कर रहा है पाइप पे नहीं फ्लो कर रहा भाई आप एक पाइप लें उसे गोल कर लें जोड़ दें रिंग की तरह की शक्ल बना लें पानी लें पानी किधर तो जाएगा कहीं भी नहीं जाएगा रुका रहेगा भाई पानी की ट्रेन तो है इंजन नहीं है ना इंजन होगा तो जोर लगाएगा ना क्वेश्चन ओके क्वेश्चन के टाइम पे वीडियो स्टक गई थी ओके okay, सॉरी यार क्या था क्वेश्चन क्वेश्चन समझ में नहीं आया बेटा मैंने ये क्वेश्चन कराया आपको फाइव एम्पेयर करेंट पास फॉर थ्री आवर्स चार्ज फाइव एम्पीयर करंट पास फॉर थ्री आवर्स फाइंड चार्ज तो करंट कितना है टाइम लेते हैं सेकेंड्स में लेते हैं तो टाइम थ्री आवर्स है ना एक घंटे में कितने सेकेंड होते हैं सिक्सटी टू सिक्स थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकेंड होते हैं थ्री इंटू ये कर दिया तो ये टाइम आ गया फार्मूला क्या है कि यूज टू आई टी

वाटर इज नॉट फ्लोइंग एनी वेयर वाटर इज नॉट फ्लोइंग क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज यहाँ पे वाटर इज नॉट फ्लोइंग वॉटर इज नॉट फ्लोइंग क्यों भाई क्योंकि को पानी को पोषे नहीं कर रहा अच्छा मैंने पानी को फ्लो करवाना है क्लॉक वाइज तो मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर एक मोटर लगानी पड़ेगी यू you नो know? ये दोबारा लगा रहा हूँ मुझे पानी को फ्लो करवाना है तो ये पानी वॉटर मैंने यहां पे क्या लगा दी मोटर लगा दी मोटर मोटर पंप मोटर पंप लगा दिया पंप क्या ये करेगा ये पानी को पुश करेगा इट पुशेज द वॉटर इट पुशेज द वॉटर ये पंप क्या करेगा पानी को पुश करेगा और पानी यूं करके यूं करके यूं करके क्लॉकवाइज घूमने लग जाएगा ये पानी को पुश करेगा पानी घूमने लग जाएगा मोटर पंप क्या करेगा पानी को पुश करेगा इंजन की तरह काम करेगा जैसे ट्रेन का इंजन होता है ना यहां पे वाटर ट्रेन तो थी इंजन नहीं था इंजन लगा दिया पानी घूमने लग गया कब तक तो घूमता रहेगा जब तक पुश करता रहेगा नौ no. अब अपने दिमाग में बिल्कुल सिमिलरली ये एक वायर है वायर एक और कलर से बनाता हूं जब देखिए बेटा ये एक वायर है वायर वायर में क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन है ना इसमें इलेक्ट्रॉन्स है इलेक्ट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स हैं, हैं कहां जा रहे हैं क्लॉकवाइज घूम रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं कहीं भी नहीं घूम रहे जनाब इलेक्ट्रॉन हैं जैसे इसमें इस पानी था घूम नहीं रहा था

करें हाँ जी अब क्या करेंगे ये देखो अब मैं इसको इलेक्ट्रॉन्स को चलाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा तो मैंने यहां पे बैटरी लगा दी पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी क्या करेगी ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स 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 फॉर e इलेक्ट्रॉन बना रो मैं। बैटरी क्या करेगी इन इलेक्ट्रॉन को पुश करेगी पुश करेगी तो चलना शुरू कर देंगे बिल्कुल तो बैटरी पे डिपेंड करता है ना आपने बैटरी कैसे लगाई है बैटरी क्या करती है इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टू तो नेगेटिव पुश करती है ना देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना पॉजिटिव क्या करते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को खेचता है ना पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन परल है इलेक्ट्रॉन को पुश करता है नेगेटिव

तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे थैंक यू स्टूडेंट्स